मेरा परिवार अनाथ आश्रम गैला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए विधायक अमित विज ने शिरकत की, जिन्होंने इस कथा पर वामी डुबकी लगाकर प्रभु से स्वर मंगल की कामना की। जय श्री राधे। मैं आज मीरपुर कॉलोनी आया। प्रियंका बाबा जी ने अपने घर विच भागवत गीता जी का पाठ रखे दा, जिहड़ा समापन 10 तरीक नूं 4 तरीक नूं शुरू होया सी, और अज भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन भी है। मैं विजय पासी जी, लक्की पहलवान जी, सोनू अरोड़ा जी, मोता जी, उन्होंने पूरी टीम, बबली जी जिहड़े मेरे नाल आए ने, वर्किंग प्रेसिडेंट रमेश चौधरी जी, सब का शुक्रिया अदा करना। और ठाकुर जी का असी आशीर्वाद रहा, क्योंकि जिन्ना भी फल मिलता है वह परमात्मा ने देना होंगे। असी तो कर्म करने हैं और कर्म का फल परमात्मा देता है। असी सिंसेरिटी ना करने, अज असी आशीर्वाद लैन आए सी। मैं प्रियंका बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा करना कि वो बहुत आशीर्वाद देंदे ने, नाल लोकां च बच्चियां च संस्कार पाते हैं। साडा बहुत बहुत शुक्रिया। चौथा दिन है ये भागवत कथा क्याले तो करवा रहे हैं श्रीमती सुश्री प्रियंका बाबा जी। प्रियंका बाबा जी हर साल इतने कथा कराते हैं, जिड़ी कि 4 तरीक तो लैके 10 तरीक तक होगी। अज के साडे कथा के मुख मेहमान MLA श्री अमित विज जी है। मैं प्रियंका बाबा जी को अपने वालों और सारे भाईचारे वालों अमित विज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि अपना इन्ना कीमती समय चो अज टाइम कढ़ के भागवत कथा सुनने वास्ते आए हैं, क्योंकि भागवत कथा सुनने नाल ही साडे कई पाप दूर हो जाते हैं। मैं पठानकोट के धर्म प्रेमियों को प्रार्थना करता कि ये 4 तरीक तो लैके 10 तरीक तक भागवत कथा हो रही है, आओ इहदा आनंद उठाओ, क्योंकि भागवत कथा सुनने नाल तुहाडे कई दुख दूर हो जाते हैं। तो 11 तरीक नूं भंडारा, तो मैं फिर एक बार पठानकोट के लोगों को प्रार्थना करदा कि 2 बजे तो लैके 5 बजे तक कथा हुंदी है, आओ और कथा का आनंद उठाओ। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।